अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम जा रहे हैं करली झील और अभी रास्ते में हम थोड़ा लेट हो गया हमें निकलते हुए, क्योंकि आज कराची का मौसम था ही इतना ज़बरदस्त हसीन, तो हमारा दिल करा हम निकलते हैं कहीं। तो अभी हम निकले हैं करली झील जाने के लिए और अभी रास्ते में है, थोड़ा लेट भी हो गया। अभी लंच के लिए हम यहाँ पे कैफ़े इमरान पे रुकेंगे। तो कैफ़े इमरान का तो आप सबको पता ही होगा, अगर आपने टेस्ट और सफाई दोनों देखनी है तो आप कैफ़े इमरान का ज़रूर विज़िट करें हाईवे पे। तो अभी हम वहीं से हम लंच लेंगे, क्योंकि सेटिंग तो अभी नहीं है कवरेट की वजह से। तो ये है कि हम टेक अवे हैं, हम लेकर फिर करली झील पर जाकर ही वहीं पर लंच वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ कैफ़े इमरान। ये देख सकते हैं आप, ये रहा कैफे इमरान और ये इसका मेन डोर है, यहाँ से जब इंटर होते हैं। और अच्छी इनमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है ऐसे इलाके में, और हमारा ड्राइवर तो चाय आ चुकी है हमारी, इनकी चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है तो हमने पी, बगैर तो हमने आगे जाना नहीं था। और चाय भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सफाई से, और यहाँ के वर्कर भी हैं जो तमाम बहुत हाइजीन का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। कप्स वगैरह भी साफ़ और चाय का टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि पहले भी इनका टेस्ट कर चुकी हूँ मैं, खाने भी अच्छे होते हैं साफ़ सुथरे और अच्छे, टेस्ट भी अच्छा होता है। और इसी तरह इनकी चाय भी अच्छी, ये कैफ़े है भी है कैफ़े, तो इनकी चाय भी काफ़ी अच्छी होती है, कॉफ़ी वगैरह भी है मेरे ख्याल में इनके पास। और अब हम थोड़ा, हमने आगे जाना था, कभी भी हम रोड ट्रिप कर रहे हो तो इस सबसे बेस्ट यही है कि आप कैफ़े इमरान का ही विज़िट करें, बाकी ढाबे वगैरह जाने से बेहतर आई थिंक यही बेहतर है। तो अभी मैंने सोचा कि ना जाते जाते आप लोगों को अंदर का व्यू भी दिखा दूँ। यहाँ ये अंदर हॉल है और यहाँ पे अभी सिटिंग वगैरह बंद है, मैं आपको किचन का व्यू भी ज़रूर दिखाती, बट ये पहले परमिशन लेनी पड़ती है इनसे। और हम काफ़ी वैसे ही लेट हो गए थे, निकले ही हम थोड़ी शाम में ही थे, तो हमने वहाँ पर एक आधा घंटा तो वहाँ पर भी रुकना था। अब हम निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए और काफ़ी डर था कि ढलता हुआ सूरज देखकर हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए थे कि आज हमने पहुंचना है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और वहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी करना है, आधा घंटा एक घंटा हमने वहाँ पर बैठना है। तो इस हिसाब से हम निकले, अपनी स्पीड बढ़ाई, और यहाँ पर डबल रोड भी था काफ़ी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था गाड़ी की स्पीड देखिए, क्योंकि हैवी हाईवे पे तो स्पीड मैक्सिमम 100 तो रखनी ही पड़ती है, इतनी स्पीड तो होती है गाड़ी की। तो अब हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा करीब तो हैं, फिर पहुँच के आपसे वहाँ पर मिलते हैं। जब तक मेरी एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और हो सके तो शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो गाइस, करली झील तो हम पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे हम, क्योंकि लेट निकले थे। और अब हमने ये छोटा सा हर्ट कर लिया है बुक, और बस ठीक है, ये कि छत है आराम से, अगर खाना वाना खाना हो तो वॉशरूम है सेपरेट, वरना हमें मुझे पब्लिक टॉयलेट बनाया है वो यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। शॉर्ट या कुछ पहन लो, ट्राउजर जी मर्जी, अभी भी अच्छा लग रहा है सर, रेड कलर मतलब इसको छोड़ के लुकिंग गुड, छोड़ नहीं शॉर्ट। और ये रहा हर्ड हमारा, अंदर खा के कोने पर टॉयलेट है, यहाँ पर बैठने की जगह है, पंखा है, और जाए
ज़बरदस्त यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी है और धूप भी रही है नीचे और ढलता हुआ सूरज बेहतरीन नज़ारा और बहुत इंजॉय किया हमने। और इस खूबसूरत वेदर में आउटिंग के चक्कर में हमने आज लंच बहुत लेट किया और अच्छा था सब खाना। और अच्छा रहा आज का दिन, बहुत मज़ा आया और मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि और अब निकल रहे हैं घर के लिए वापसी के लिए। गाड़ी में बैठ चुके हैं, वापस और निकल रहे हैं और शायद फिर मिलूंगी नई रेसिपी और ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।